गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला लुक जिसकी तरफ देख रहे हैं आप अभी। और इस लुक के लिए मैं कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ, यूज़ करने वाली हूँ, जिनको मैंने पिछले एक दो महीने में खरीदा है। एंड दैट इंक्लूड्स नार्स का मेकअप। आई नो नार्स जब लॉन्च हुआ था ना तो हुई थी एक्साइटमेंट काफ़ी सारे लोगों में। सो कुछ कुछ चीज़ें मैंने खरीदी थी, अराउंड 12,000 कुछ का बिल हुआ था मेरा। आई डोंट रेकमेंड शॉपिंग लाइक दैट बाय द वे, बट मैंने खरीदा बिकॉज मुझे रिव्यू करने थे ये प्रोडक्ट। उसमें से जो आधा अमाउंट था वो वर्थ इट था, बट जो आधा था ना वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और भी जो जो प्रोडक्ट्स नए मैं यूज करने वाली हूँ नार्स के अलावा, एक दो चीजें और हैं, उनका भी मिनी रिव्यू मैं दूंगी ट्यूटोरियल करते करते। दिस ट्यूटोरियल इज मोस्टली हाई एंड मेकअप ट्यूटोरियल, एक दो प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी हाई एंड मेकअप वाले ही प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स, मेरे जो भी शेड्स मैं यूज कर रही हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So now let's begin. प्राइमर के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस न्यू प्राइमर फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स। उतना भी नया नहीं है बट अभी रिसेंटली इसी साल में लॉन्च हुआ है। इट्स मैक स्टूडियो रेडियंस प्राइमर। ये एक ड्यूई फिनिश वाला प्राइमर है, एकदम क्रीम के जैसे लगता है और ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। मेरी ड्राई स्किन है, मैंने इसको काफी बार टेस्ट आउट किया है। मेकअप को अच्छे से होल्ड भी करता है और बहुत अच्छी सी शाइन देता है स्किन पे। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ एल्फ का हैलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। जो शेड मैं यूज करने वाली हूँ वो है फेयर एंड लाइट। और मुझे पता है कि ये नायका पे इतना ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, जैसे ही स्टॉक में आता है वैसे ही निकल जाता है। दूसरे शेड्स मैंने अनफॉर्चुनेटली ट्राई नहीं करे इसके, सो आई एम नॉट श्योर हाउ द अदर शेड्स वर्क। लेकिन ये वाला जो शेड है ना वो मेरी NC35 वाली टोन पे काफी अच्छे से बैठता है। ये ना एक स्ट्रोक क्रीम के जैसा है, विच इज स्लाइटली टिंटेड। अभी मैंने पूरा इसे अपनी स्किन पे लगा लिया है एंड ऑनेस्टली आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। कवरेज बिल्कुल नहीं देता है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको अकेला लगा लोगे तो ऐसा दिखेगा स्किन पे। अगर इसको लगा के हल्का सा आप कोई पाउडर फाउंडेशन या कुछ यूज करोगे तो एक अच्छी ड्यूई फिनिश ये दे देगा। हैविंग सेड दैट, अगर ऑलरेडी आपके पास स्ट्रोक क्रीम है ना तो मे बी यू कैन स्किप दिस प्रोडक्ट। शाइन बिल्कुल स्ट्रोक क्रीम के जैसी है, बस थोड़ा सा ये टिंटेड है एंड ऑफकोर्स ग्लिटर चंक्स वगैरह इसमें नहीं है। थोड़ा सा प्राइस फैक्टर भी है, दिस इज चीपर देन स्ट्रोक क्रीम लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है ये। नाउ लेट्स गेट टू नार्स। तो मैं यूज करने वाली हूँ आज नार्स का फाउंडेशन। मेरे शेड का नाम है पंजाब। नार्स का जो हॉल है वो मैंने सफोरा से किया था गाइज, वहां पे जाके मैंने शेड मैच किया था। और ये जो फाउंडेशन है ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन है। इनफैक्ट दिस वन इज अ लॉट लाइक रेयर ब्यूटी फाउंडेशन। ये मैंने हाथ में लिया है ना तो इट इज ड्रिपिंग, इसकी कंसिस्टेंसी उतनी पतली है। एट द सेम टाइम द कवरेज विच इट गिव्स इज ब्यूटिफुल। मैं लगा के बताती हूँ। अभी मैंने अबाउट वन पंप लगाया एंड व्हेन आई टोल्ड यू दैट द कवरेज इज ब्यूटीफुल, उसका मतलब ये नहीं था कि ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। दिस इज एक्चुअली नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन, दिस इज अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन। लेकिन ये ना एकदम एक सेकंड स्किन के जैसा लगता है एंड यू रियली कैन नॉट फील इट ऑन योर स्किन। लगेगा ही नहीं आपको कि आपने फाउंडेशन लगाया है। और जो थोड़े बहुत माइनर इम्परफेक्शन होते हैं ना स्किन के, उनको ये अच्छे से कवर कर देता है। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है मेरे हाथ पे, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑन। मैंने एक्चुअली में दो पंप फाउंडेशन लिया था, जो पहले आपने देखा था ना दैट वॉज जस्ट वन पंप। सो दिस इज द फाइनल फिनिश गाइस। जो साथ में मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज करे हैं वो भी ड्यूई प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इतनी ज्यादा शाइन दिख रही है मेरी स्किन पे। अगर आप अकेला फाउंडेशन लगाएंगे तो इट वोंट बी दिस शाइनी बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ मैट फाउंडेशन, लेकिन काफी कंफर्टेबल फाउंडेशन है। आई थिंक इस पे मेरा पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। अब यूज करते हैं नार्स का रेडियंट क्रीमी कंसीलर। दिस इज अ कल्ट फेवरेट कंसीलर। मैं कितने टाइम से इसके बारे में सुन रही हूँ एंड आई रियली वॉन्टेड टू बाय दिस। हल्का हल्का जहां पे पिगमेंटेशन है या जहां पे पिंपल आया है वहां पे भी लगाया है मैंने।
By the way, मेरा शेड है मीडियम टू जिंजर एंड इट्स अ गुड कंसीलर गाइज. द फॉर्मूला इज रियली नाइस, काफी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है. कवरेज इज ऑल्सो रियली गुड, मीडियम टू हाई कवरेज कंसीलर है एंड इट्स इट्स वेरी कंफर्टेबली ऑन द स्किन. इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत पतली नहीं है, इट्स नीदर टू थिक नॉर टू थिन, मीडियम कंसिस्टेंसी है, बट यू कैन ईजिली ब्लेंड इट और हैवी फील नहीं होता है स्किन पे. आई वुडंट से कि ये आउटवर्डली है या इट शॉक्ड मी एंड आई वॉज लाइक ब्लोन अवे बाय द रिजल्ट्स ऑर एनीथिंग. इट्स अ नॉर्मल गुड कंसीलर. अब जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, दैट एक्चुअली ब्लू माई माइंड. इट इज NYX का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप मैटिफाइंग पाउडर. ऑल्दो मुझे ड्यूई बेस करना था बट मैं मैट पाउडर because I really really wanted to show you guys this powder. So मुझे मेरे comment section में ना किसी ने बोला था that this product is like the perfect alternative of Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Powder. वो एक powder है जिसे मैं बहुत ज़्यादा use करती हूँ. Almost जब भी मैं makeup करती हूँ ना, मैं finish up अपना makeup, specially जो मेरी T zone है और under eye area है ना, उस पाउडर से मैं कवर करती हूँ. आई ट्राइड दिस पाउडर गाइज एंड दिस वन इफ नॉट लाइक द एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ Charlotte Tilbury, 95% तो मैच करता है उससे. I'm gonna use it on my under eye area and T zone and stuff and show it to you. Actually एक काम करते हैं, एक साइड पे ना Charlotte Tilbury वाला लगा लेते हैं. एक मिनट, ये रहा मेरा Charlotte Tilbury का एयरब्रश फ्लॉलेस पाउडर. तो इस साइड पे मैंने लगाया NYX का पाउडर और इस साइड पे है Charlotte Tilbury का पाउडर. द ओनली डिफरेंस विच आई पर्सनली फाउंड वॉज दैट Charlotte Tilbury वाला जो है ना, वो कवरेज थोड़ा ज्यादा देता है NYX के पाउडर से, लेकिन जो स्मूथनेस आती है ना, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम. अभी ये वाला जो पाउडर है ना, ये मेरा एवरीडे मेकअप वाला पाउडर हो गया है एंड आई थिंक इट इज टोटली वर्थ इट गाइस. बाकी का मेकअप भी मैं इसी से सेट कर रही हूँ. ब्राउज और कंटोरिंग के लिए कुछ भी नया मैं यूज नहीं कर रही हूँ. हूला ब्रॉन्जर आई एम गोना यूज फॉर कंटोरिंग एंड प्रिसाइसली माई ब्राउ पेंसिल फॉर माई आईब्राउज. आईब्राउज मैं ऑफ कैमरा करती हूँ और कंटोरिंग भी फटाफट कर लेती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. आई शेडो के लिए हम लोग यूज करेंगे हुडा ब्यूटी की एम्पावर्ड पैलेट. आई हैव actually not used this palette much yet. In fact, शायद सिर्फ एक ही बार मैंने यूज करी होगी और वो भी मतलब प्रॉपरली नहीं. तो काफी सारे ऐसे शेड्स हैं जो मैंने यूज नहीं करे हैं. सो आई थॉट कि टुडे विल बी अ गुड डे टू ट्राई दिस वन आउट. थोड़ा सटली रखने वाली हूँ मैं अपना आई मेकअप. आई विल स्टार्ट विद दिस शेड राइट हियर जिसका नाम है रिबेल और इसको मैं लगाने वाली हूँ अपनी क्रीज पे. ये शेड ना पैन में काफी लाइट लग रहा है लेकिन जब मैंने इसको लगाया ना तो थोड़ा डार्क ही है ये. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड फ्रॉम द पैन, इसका नाम है डू इट और इसको मैं लगाने वाली हूँ अपनी आईलिड पे, ऑल ओवर माय आईलिड. आई रियली डोंट थिंक एनीबॉडी कैन बीट हुडा ब्यूटी के शिमरी शेड्स, दे आर सो ब्यूटिफुल. It's looking very nice. मेरे ना हाथ में चंगोरी है ये वाला गोल्ड शेड ट्राई करने के लिए. ऑल्दो इट इज वेरी ब्राइट, लेकिन हल्का सा मैं अपने आईलिड के सेंटर पे लगाती हूँ इसको. ये शिमरी शेड इतना शाइनी है ना कि शायद एक किलोमीटर दूर से भी मेरी आंखें दिख जाएंगी किसी को. इट इज सो शाइनी. आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है इसको, बट ओ माई गॉड इट्स ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल इज एन अंडरस्टेटमेंट और मैंने बहुत हल्का सा लगाया था इसे. कैन यू सी माई आईलिड, इट्स लुकिंग सो नाइस. इस पे तो बिल्कुल भी मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ, ये वैसे सेल में खरीदी थी मैंने. अभी मैं बस थोड़ा सा क्लीन अप कर रही हूँ. मैंने जो क्रीज पे शेड लगाया था ना, वो वापस लिया अपने ब्रश पे और क्रीज को थोड़ा और ब्लेंड कर रही हूँ. जिस शेड को मैंने क्रीज पे लगाया था उसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ. नाउ आई एम टेकिंग मैक का ब्राउन काजल, इसका नाम है ब्राउन बॉर्डर. सबसे पहले मैं इसे अपनी वॉटर लाइन पे लगाऊंगी और थोड़ा सा मैं इसको लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे, जैसे वो स्मोकी काजल टाइप का लुक करते हैं ना, उस टाइप का करने के लिए. अभी इस लाइन को ब्लेंड करेंगे. मैं वैसे फॉल्स लैशेज यूज करने वाली हूँ बट विथ मस्कारा मैं आपको ये लुक दिखा देती हूँ. आई एम यूजिंग बेनिफिट देयर रियल मैग्नेट मस्कारा. Showing you guys a closer look, just mascara के साथ ये look कुछ ऐसा दिखता है. मैंने false lashes off camera ही लगा लिए, अभी blush पे आते हैं. तो ये वाला look थोड़ा सा warm toned हो गया है जो मेरा eye look है. So I'm going to use a warm toned blush from MAC Cosmetics. This is one of my all time favorite blushes, Gingerly.
जल्दी से हाइलाइटर लगा लेते हैं। आई एम यूजिंग बेका का सी पॉप हाइलाइटर। मेकअप हो चुका है, अभी लास्ट एंड फाइनल स्टेप बचा है विच इज पुटिंग ऑन अ लिपस्टिक। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट दैट आई बॉट इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो दिस इज दैट प्रोडक्ट, ये नार्स की पावर मैट लिपस्टिक्स हैं एंड आई बॉट टू ऑफ देम, नॉट जस्ट वन, दो खरीदी मैंने। मैं कुछ दिनों से ना रिग्रेट ही कर रही हूँ अपनी ये वाली परचेज। एक 3,000 की आती है, सो दिस इज लाइक 6,000 डाउन द ड्रेन। आई थिंक मैं आपको लगा के ही दिखा देती हूँ। मेरे पास एक न्यूड शेड है और रेड शेड है, आई थिंक न्यूड वाली लगाती हूँ आज। द थिंग इज कि ये ना लगाते लगाते ड्राई होने लगती है, द एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अभी मैंने लिप बाम लगाई हुई है तो उससे थोड़ी सी बेटर होती है एप्लीकेशन, लेकिन इसका जो पिगमेंटेशन है ना दैट इज ऑल्सो नॉट मच। मतलब वो सॉलिड वाली जो मैट फिनिश आती है ना वो नहीं आती है, इससे काफी बिल्ड करना पड़ता है, नॉट जस्ट दिस शेड, लाल वाला भी। So I put this lipstick on guys and it looks like a pretty color, right? लेकिन ये जो pretty color है ना, इसको ऐसा दिखाने के लिए मुझे minimum 6-7 बार इसे lips पे ऐसे ऐसे swipe करना पड़ा था। It does not give one swipe pigmentation और बहुत unevenly भी लगती है ये lips पे, specially for Indian skin tones ना, हमारा जो upper lip है ना थोड़ा सा darker होता है lower lip से, at least majority लोगों का, मेरा भी वैसा ही है। So जो मेरा upper lip है ना उसपे तो मुझे बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ता है with this lipstick। The formula is the issue, ना इसका pigmentation solid है। अगर आप lip balm नहीं लगाओगे ना तो इसको लगाना is also a big big struggle, बहुत ज़्यादा जल्दी ये dry होती है। लेयर करना इज नियरली इम्पॉसिबल बिना लिप बाम के। मैंने ये दो शेड्स खरीदे थे बिकॉज इस टाइप के शेड्स मेरे पास ऑलरेडी नहीं थे। मैं रेड वाले का भी स्वॉच एनीवे दिखा दूंगी आपको, बट मेरे पास इस टाइप के शेड्स नहीं थे। मुझे शेड बहुत प्रिटी लगे थे और वहां पे मैंने काउंटर पे पूछा भी था, जो सफोरा में जो थी उनसे मैंने पूछा था कि मैं जब लगा रही थी ना तो मैंने पूछा ये थोड़ी सी ड्राई फील हो रही है, इज दिस हाउ इट्स सपोज टू बी। एप्लीकेशन में मुझे उस टाइम पे दिक्कत हो रही थी, बट देन द सफोरा पर्सन टोल्ड मी कि नहीं, हम लोग एक्चुअली बाहर ऐसे खुला रखते हैं ना कैप लिपस्टिक्स का, इसीलिए ये ड्राई फील हो रही है, अदरवाइज ये स्मूथली लगेगी लिप्स पे। मैंने मान ली बात और खरीद लिए मैंने दो शेड एंड दिस वॉज अ मैसिव रिग्रेट गाइज, दिस वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट। व्हेन इट कम्स टू द लास्टिंग पावर ऑल्सो, वो भी उतनी अच्छी नहीं है। पहले तो ऑलरेडी इसको काफ़ी लेयर करना पड़ता है और उसके बाद आप जब खाते हो या ड्रिंक्स वगैरह लेते हो ना तो बहुत आराम से ये निकल जाती है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड। मैं फिर भी इसको यूज करके खत्म करूंगी बिकॉज आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, बट आई रियली वोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम नार्स गाइज। हैविंग सेड दैट, अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है और आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद दीज लिपस्टिक्स इफ यू बॉट देम। अदरवाइज नो, दीज आर नॉट वर्थ इट, प्लीज सेव योर मनी, मेरी जैसी स्टूपिड मिस्टेक मत करना। जो शेड मैंने लगाया है उसका नाम है फ्री बर्ड और ये वो रेड शेड है जो मैंने इसका खरीदा था। ये थोड़ा सा ना एक लाइट सा रेड कलर है, इट लुक वेरी प्रिटी व्हेन आई पुट इट ऑन, बट नॉट वर्थ इट गाइज, नॉट वर्थ इट। My makeup is complete. अब बस मैं लगा लेती हूँ सेटिंग स्प्रे, Charlotte Tilbury का एयरब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। This is the final look, guys. I hope आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। Wishing all of you a very, very, very happy Diwali in advance. मुझे भी बहुत excitement हो रही है क्योंकि मैं घर जाने वाली हूँ बहुत जल्दी दिवाली के लिए। एक और चीज़, I think wanted to get it out of my chest, I guess. मैं पहले काफ़ी elaborate festive tutorials में, मतलब you know, काफ़ी type के complex type के eye makeup looks वगैरह करती थी and you guys know that I've stopped doing that because honestly time change हो गया है। I also personally meet a lot of people और मैं देखती हूँ कि उतना मेकअप सच में लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट क्योंकि मेरी नीश ही मेकअप है, बट मैं अब हमेशा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ना सिंपल वाले साइड का ही मेकअप करूँ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो कट क्रीज एंड जिस टाइप के आई शेडोज मैं करा करती थी बेसिकली वो नहीं करूँ। आई वॉन्ट टू कीप माई मेकअप रियलिस्टिक एंड आई वॉन्ट टू कीप अप विद द टाइम्स एज वेल। मेरी इतनी सारी आई शेडो पैलेट्स हैं वो बस ऐसे ही रखी हुई हैं बिकॉज आई डोंट डू दैट मच ऑफ आई शेडो एनी मोर एंड आई
रियली होप वी आर ऑन द सेम पेज विद दैट, बिकॉज एटलीस्ट मेरी जितनी रिसर्च रही है उसके हिसाब से तो अभी बहुत सिंपल टाइप के लुक्स लोग करना पसंद करते हैं। इवन वेडिंग्स में मैं देखती हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, बट आई सी ब्राइड्स वगैरह भी न्यूड टाइप का मेकअप कर रही हैं। यू नो सिंपल मेकअप में ज्यादा उतनी टेक्निक्स नहीं होती है बताने की, बट मैं कोशिश करती हूँ कि नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊं एंड लेट यू गाइज नो माई ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट दैम। प्लीज लेट मी नो इफ वी आर ऑन द सेम पेज विद दैट। आई रियली होप दैट वी आर ऑन द सेम पेज विद दैट और मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और किस टाइप के वीडियोज आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे। ऑन दैट नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगला वाला शायद दिवाली के पहले ही आएगा तो वापस मैं हैप्पी दिवाली बोलूंगी उसमें। बट yeah, I'll see you in the next one guys. I love you so much and I'm so grateful for you. Bye. Mwah.